चैप्टर इज द ट्रीलेस ग्रासलैंड, यानी कि ग्रासलैंड जहाँ पे ट्रीज नहीं होते. नाउ द टेम्परेट जोन इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द पोलर सर्कल. यानी कि क्या है, जो आपका टेम्परेट जोन है वो कहाँ है, वो दूर है कहाँ से, इक्वेटर से और बिटवीन द ट्रॉपिक्स, जो इक्वेटर है ट्रॉपिक्स के बीच में एंड द पोलर सर्कल से टेम्परेट जोन दूर है, जैसे कि आपने पहले वाले चैप्टर्स में रीड किया है. एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि टेम्परेट जोन के नाम से ही पता लगता है, दिस प्लेस इज ऑफ इन दिस जोन, जो ये प्लेसेस है इस जोन में, ना तो वो ज़्यादा हॉट है और ना ही वो ज़्यादा कोल्ड है. द टेम्परेट जोन हैज़ लेस रेनफॉल, जो टेम्परेट जोन है उसमें क्या है, बहुत कम रेनफॉल होती है. और कब यूजुअली फॉल करती है, इन समर्स में, मतलब होती है जनरली. तो हैंस ओनली ग्रासेस ग्रो इन सच रीजन एंड इट इज़ नोन एज ग्रासलैंड. यानी कि यहाँ पे कौन सी, सिर्फ ग्रासेस ही ग्रो होती हैं और इन जगहों को हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड्स बोलते हैं. ग्रासलैंड्स कवर मोर देन 1/5 ऑफ द लैंड सरफेस ऑन द अर्थ, जो ग्रासलैंड्स है पूरी जो अर्थ है उस पर ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द लैंड सरफेस, मतलब लैंड का हिस्सा कवर करते हैं. दीज आर एनॉर्मस एंड फ्लैट प्लेन्स ऑफ ग्रास विद वेरी फ्यू ट्रीज एंड बुशेज. यानी कि जो ये ग्रासलैंड्स हैं इन पर क्या है, ये क्या है, फ्लैट प्लेन्स है, मतलब माउंटेन एरिया नहीं है, एकदम फ्लैट जगहें हैं जहाँ पे ग्रास होती है और बहुत कम ट्रीज पाए जाते हैं और बुशेस पाए जाती हैं. द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कोल्ड. यानी कि जो समर्स है वो बहुत हॉट है और जो विंटर्स हैं वो कोल्ड हैं. रेन भी यहाँ पर क्या ऐसी होती है, कम होती है, सो फॉरेस्ट कैन नॉट ग्रो, इसलिए फॉरेस्ट भी ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ पे रेन कम होती है. द ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स. यानी कि जो डिफरेंट ग्रासलैंड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं. जो कुछ हैं ग्रासलैंड्स वो कौन से हैं, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका हेयर, स्टेपिस इन रशिया हेयर, पैम्पस इन साउथ अमेरिका हेयर, ठीक है, वेल्स इन साउथ अफ्रीका हेयर एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. सो ये हमारे ग्रासलैंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो बहुत बड़े बड़े वास्ट एरिया हैं. सो वील रीड अबाउट दीज ग्रासलैंड्स इन दिस चैप्टर. नाउ सी, फर्स्ट हम करेंगे प्रेरीज. वन सच वास्ट स्ट्रेच, एक ऐसा ही स्ट्रेच, बहुत बड़ा ग्रासलैंड है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, जिसका नाम क्या है, इट इज़ कॉल्ड प्रेरीज. इट इज़ डिराइव, जो प्रेरीज वर्ड है वो कहाँ से आया, फ्रेंच से आया, एंड प्रेरीज विच मीन्स अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड. प्रेरीज का मीनिंग ही क्या है, लार्ज ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है. सी, दिस इज द ग्रासलैंड. नाउ अब इसकी लोकेशन कैसी है, द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको. यानी कि कैनेडा से मैक्सिको तक ये क्या है, ग्रीन ग्रीन हमारा सारा प्रेरीज है. इट इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, रफली बिटवीन किसके बीच में, इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल के बीच में लोकेटेड है. जो टू बिग रिवर्स हैं यहाँ पे, कौन सी, मिसिसिपी एंड मिजोरी, वो इस रीजन से पास करती हैं. नाउ यहाँ का क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर, प्रेरीज का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सट्रीम है. जो विंटर्स है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं और जो समर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट है. रेनफॉल जो है यहाँ पे मॉडरेट है, यानी कि कभी कम, मतलब नॉर्मल है, ना ज़्यादा ना कम, एंड अकर्स मोस्टली इन समर सीजन. जो रेनफॉल है वो मोस्टली कब होती है, यहाँ पे समर सीजन में होती है. द क्लाइमेट इज़ नॉट सुटेबल टू फॉर ट्रीज टू ग्रो. यानी कि जो क्लाइमेट है वो यहाँ पे बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है ट्रीज के ग्रो करने के लिए. ट्रीज आर रेयर इन प्रेरीज, यानी कि ट्रीज जो है बहुत ही कम पाए जाते हैं प्रेरीज में.
एक्सेप्ट अलोंग द रिवर, रिवर है लेकिन ट्रीज नहीं है। बट द ग्रासेस ग्रो क्विकली एंड आर वेरी टॉल, जो ग्रासेस है वो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं और बहुत लंबी लंबी हैं। द स्प्रिंग सीजन शोज द बेस्ट ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, जो स्प्रिंग सीजन है वो बेस्ट मतलब बेस्ट पाया गया है ग्रासेस की ग्रोथ के लिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है तब। समटाइम्स हॉट विंड्स कॉल्ड चिनूक विच ब्लो इन द स्प्रिंग ओवर द प्रेरीज हेल्प टू मेल्ट द स्नो एंड मेक ग्रेजिंग पॉसिबल। कभी कभी क्या होता है, चिनूक जिनको जो हॉट विंड्स होती हैं वो कभी कभी जो है ब्लो करती हैं प्रेरीज के ऊपर से, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहाँ पर तो थोड़ी सी आइस मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ग्रेजिंग या एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ वीट फार्म इन प्रेरीज। सो दीज आर द लॉन्ग टॉल ग्रासेस। द प्रेजेंस ऑफ रिवर, जो रिवर्स है मिसिसिपी एंड मिजोरी और जो इनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, स्मॉल रिवर्स होती है जो कि एक लार्ज रिवर से बनती हैं, और अ बून फॉर द फार्मर्स, यानी कि एक मतलब आप कह सकते हो बहुत अच्छी चीज़ है फार्मर के लिए, ठीक है। एज दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, क्योंकि ये जो रिवर्स हैं, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनसे फार्मर्स को पानी मिल जाता है फॉर इरिगेशन। दिस रीजन इज परफेक्ट फॉर ग्रोइंग वीट, जो ये रीजन है वो बहुत परफेक्ट है फॉर ग्रोइंग द वीट, एंड देयर फॉर इसीलिए इसको हम वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीट जो है, वीट ग्रो करने के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो एकदम सूटेबल है। दीज फेवरेबल कंडीशन, जो ये कंडीशंस हैं क्लाइमेट की वीट ग्रो करने के लिए, मेक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसीलिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहाँ पर ये प्रेरीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वीट इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका क्या बन गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है जहाँ पर वीट ग्रो की जाती है पूरे वर्ल्ड में। नाउ नेक्स्ट इज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दिस एरिया वॉज एट वन टाइम कवर्ड विद टॉल ग्रासेस फॉर माइल्स एंड माइल्स टुगेदर, जो ये एरिया है वो किससे कवर्ड था, बहुत सारी टॉल ग्रासेस से कवर्ड था बहुत माइल्स तक। इट वॉज द ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर बिजोन, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल, सी द पिक्चर, ठीक है। तो ये क्या था, एक ग्रेजिंग ग्राउंड था जहाँ पे वो लोग ग्रेज किया करते थे। ग्रेज मतलब जैसे जो ग्रासेस होती हैं, काउज ईट कर लेती हैं, ऐसे ही बिजोन्स भी ग्रेजिंग वहाँ पे किया करते थे। नाउ बट वंस द यूरोपियंस अराइव्ड ऑन दिस लैंड, जब भी पहले जब यूरोपियंस आ गए इन लैंड्स पर, अब वो क्या हो गए, धीरे धीरे वो सेटल वहीं पर रहने लगे। दे यूज्ड द प्रेरीज एज ग्रेजिंग लैंड फॉर देयर कैटल, यानी कि जो यूरोपियंस थे वो क्या करते थे, वो प्रेरीज को ग्रेजिंग लैंड के लिए ही यूज करने लगे। लेटर दे क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, उसके बाद उन्होंने वो लैंड पूरी क्लियर कर दी एग्रीकल्चर के लिए। नाउ दिस हैज बिकम, अब प्रेरीज क्या बन गया है, बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मिंग की जाती है। सेवरल स्मॉल एनिमल्स आर फाउंड विच इंक्लूड, बहुत सारे छोटे एनिमल्स जैसे कि डॉग्स एंड ससलिक्स। सो सी हियर पिक्चर ऑफ ससलिक, सो दीज लुक लाइक वाइट माउस, थोड़ा सा वैसे दिखते हैं जैसे स्क्वेरल होती है वाइट कलर की, समझ लो ऐसे दिखते हैं। दीज आर कम्युनिटी एनिमल्स एंड लाइक अदर कम्युनिटी एनिमल्स दे गैदर सीड्स एंड स्टोर देम, ये क्या दूसरे एनिमल्स की तरह है, वो क्या करते हैं, वो सीड्स गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनको स्टोर कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, दिस हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ, ये क्या करते हैं, जब वो सीड्स इकट्ठा करते हैं, कुछ सीड्स रह जाते हैं तो उससे क्या करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। Another way by which they help in plant growth is by turning the soil over while digging burrows. यानी कि वो क्या करते हैं, जो एक दूसरा तरीका है plants को grow करने में, कैसे, वो soil को जो है turn कर देते हैं over digging burrows, यानी कि जहाँ पे जो गड्ढे होते हैं वहाँ पे उनको भर देते हैं ताकि plants को अच्छे से
सॉइल भी मिल सके और फर्टिलिटी भी मिल सके। नाउ बर्ड्स फाउंड हेयर, आज कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं? हॉक्स, आउल्स एंड ईगल्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स दैट फीड ऑन बर्ड्स एग्स ऑल्सो लिव हेयर, जो रेप्टाइल्स है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल, इन एनिमल्स के अलावा इंसेक्ट्स सच एज, इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, कौन से? लूबर ग्रास ऊपर जैसे, और टाइगर, बीटल, हार्वेस्टर आंट एंड द टम्बल बग आर फाउंड हेयर इन अबंडेंस। बहुत सारे ये एनिमल्स भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ द फार्मर्स, लाइफ ऑफ द फार्मर, सॉरी, कि लाइफ, फार्मर की लाइफ कैसी है और वहाँ का उनको ऑक्यूपेशन कैसा है। फार्म्स इन द प्रेरीज स्ट्रेच ओवर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, यानी कि जो फार्म्स है प्रेरीज में बहुत ज़्यादा, थाउजेंड ऑफ एकर्स मतलब बहुत ज़्यादा, यू कैन नॉट इवन, इतना ज़्यादा वॉक भी नहीं कर सकते हो, इतना बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं। ऑन एवरी फार्म, हर फार्म पे देयर आर स्मॉल होम स्टेड्स इन विच द फार्मर फैमिलीज लिव। ये मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ मतलब हर फार्म में क्या है, छोटे छोटे होम स्टेड्स हैं। होम स्टेड्स क्या होता है, कुछ मतलब वर्कर के या फार्मर के लिए छोटे छोटे घर बनाए गए हैं, वो हैं। इन विच द फार्मर्स फैमिली लिव, जिसमें फार्मर की फैमिली रहती है, विद द वर्कर्स, उनके वर्कर्स के साथ, जिनको हम क्या बोलते हैं, काउबॉयज बोलते हैं। स्मॉल शेड्स आर बिल्ट टू कीप कैटल एंड फार्म मशीनरी, छोटे छोटे शेड्स मतलब शेड्स बनाए गए हैं, ठीक है, टू कीप द कैटल, कैटल को रखने के लिए, एंड फार्म मशीनरी, जो मशीनरी रिक्वायर्ड है फार्म में वो रखने के लिए शेड्स भी बनाए गए हैं। दे यूज साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, साइंटिफिक, साइंस के बेसिस पर जो टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि प्लकिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर डन, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है इकट्ठा करना क्रॉप को, ठीक है। प्लकिंग क्या होता है, जब एक टेक्निक होती है जो कि दैट इज यूज टू टर्न ओवर द सॉइल, यानी कि सॉइल को टर्न करने के लिए प्लकिंग होती है। और सोइंग क्या होता है, टू प्लांट सीड्स इन द ग्राउंड, मतलब जब हम सोइंग क्या होता है, सीड्स को जब हम ग्राउंड में डालते हैं उसको हम सोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग आपको पता लग गया। थ्रेशिंग क्या होती है, इसको ये होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्रेन्स को प्लांट से अलग करते हैं, टू सेपरेट द ग्रेन्स, ग्रेन्स को प्लांट से, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मम्मा जो है आपके छोलिया, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेजिटेबल, तो क्या करते हैं उसको हम अलग करते हैं, है ना, इसमें से निकालते हैं, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ, दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल सो दैट आपको समझ आ जाए, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। दीज आर डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, ये सारे प्रोसेस जो है हेल्प मशीन्स की हेल्प से करते हैं वो लोग। द स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इन द सिलोज इज डन थ्रू मशीन, जो स्टोरिंग है, अब सिलोज क्या होता है, ये क्या होते हैं, मतलब बहुत बड़े कंटेनर्स होते हैं सिलेंड्रिकल शेप में, जैसे ये सीधा पिक्चर, तो इसमें क्या करते हैं, ये फूड ग्रेन्स को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ह्यूज हार्वेस्टर्स आर यूज टू कंप्लीट द वर्क ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स इन फ्यू आवर्स, यानी कि बहुत बड़े हार्वेस्टर्स भी यूज किए जाते हैं सो दैट बहुत सारे लोगों का काम एक ही मशीन से हो सके। एनिमल रेयरिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द ओपन हिली लैंड टूवर्ड्स द वेस्ट, ये एनिमल रेयरिंग भी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है यहाँ पर, ठीक है। हेयर द सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल, यहाँ पर जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। कैटल रेयरिंग इज डन इन रेंचेस दैट आर वेल इक्विप्ड विद मॉडर्न मशीनरीज, कैटल रेयरिंग यहाँ पर होती है, ठीक है, सो दैट मॉडर्न मशीनरी जो है यहाँ पर, मतलब विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीनरी, मॉडर्न मशीनरी की हेल्प से यहाँ पे कैटल रेयरिंग भी परफॉर्म होती है। कैटल रेयरिंग क्या होता है,
मतलब जो वहां पर एनिमल्स हैं उनकी देखभाल करना, ठीक है, उसको हम कैटल रेयरिंग बोलते हैं। कैटल रेयरिंग भी की जाती है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीनरी। रैंचेस आर लार्ज ओपन एरिया, जो रैंचेस हैं वो क्या है, बहुत बड़े ओपन एरियाज हैं। कैटल्स आर मोस्टली रेयर्ड फॉर मीट, जो कैटल है वो किस लिए, कैसे उनको दिया जाता है, उनको मीट दिया जाता है विच इज़ कंज्यूम लोकली एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप। जो कैटल हैं वो आर मोस्टली रेयर्ड फॉर मीट, जो कैटल रेयरिंग होती है उसमें क्या है, मीट यूज़ किया जाता है जो कि लोकल लोग जो है वहाँ के कंज्यूम करते हैं, और यूरोप भी वो मीट भेजा जाता है। एनिमल्स आर ऑल्सो रेयर्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो एनिमल्स हैं उनसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। वेल इक्विप्ड ह्यूज डायरी फार्म्स आर लोकेटेड नियर द सिटीज, यानी कि पूरे जो है इक्विप्ड, यानी कि पूरी जो मशीनरीज रिक्वायर्ड है उसके साथ, सारी मशीनरीज के साथ बहुत बड़े डेयरी फार्म्स भी आसपास की सिटीज़ में, प्रेरीज में लोकेटेड हैं। प्रेरीज आर रिच इन मिनरल्स लाइक लिग्नाइट, कोल एंड मिनरल ऑयल, यानी कि इन सारे जो है ऑयल नेचुरल रिसोर्सेज से प्रेरीज में बहुत बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि प्रेरीज आर रिच इन मिनरल्स। प्रेरीज जो है बहुत सारे उसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ओर क्रशिंग एंड ऑयल रिफाइनरीज आर वेल डेवलप्ड, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री आर दोज ऑफ मीट पैकिंग एंड फ्लोर मिल्स। ऑयल क्रशिंग मतलब ओ सॉरी ओर क्रशिंग एंड ऑयल रिफाइनरीज, जो तेल की खाने होती हैं वो भी बहुत अच्छे से वहाँ पे डेवलप्ड हैं, बट जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो कौन सी है, पैकिंग द मीट, मतलब मीट और फ्लोर मिल्स की ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू क्लास।